हेलो फ्रेंड्स, मैं सिनी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल DIY by सिनी में। और ये देखिए, आज मैं बिल्कुल ही नए डिज़ाइन का एक डोरमैट, टेबल मैट, पूजा का आसन, जिस रूप में चाहो उस रूप में आप बना सकते हो। और ये बहुत ही खूबसूरत है, तो आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। तो अभी ये हमारा अधूरा है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कली होती है ये और ये, ठीक है। ये चार कोनों टाइप में बनेगा, तो हमारे दो कोने बन चुके हैं और दो बाकी हैं अभी, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। ये वाली जो पत्ती है ये चार बनेगी और ये वाली पत्ती भी चार बनेगी, तो थोड़ा स्क्वायर शेप में ये डिज़ाइन जो है बन के आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना। तो यहाँ से बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए, ये ब्लू कलर से यहाँ से फंदे डाल करके ये मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहीं से मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको दो कलर की ऊन चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी जरूरत नहीं है, दो कलर की ऊन, और जितना बड़ा आप बनाइए उस हिसाब से देख लीजिएगा आप। और ये देखिए, यहाँ पे टोटल देखिए सलाई में जो है, और सलाई जो है हमें नॉर्मल लेनी क्योंकि हम ऊन से बना रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डाला हुआ है इसमें अपने 28 फंदे, ठीक है। 2 के मल्टीपल फंदे आपको लेकर के बनाने हैं, और बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में भी। तो बिल्कुल ही अलग से डिजाइन है, अभी ये आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो कि मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने सिलाई में फंदे डालने हैं, ठीक है। आप भी अपने सिलाई में जो है 2 के मल्टीपल फंदे डाल लीजिए, और फंदे डालने के बाद से ही तुरंत इसको स्टार्ट करना है। तो बस आप ये समझ लीजिए मैंने सिलाई में फंदे डाले हैं, ठीक है, और मैं यहीं से आपको बता रही हूँ, आप भी अपने सिलाई में फंदे डाल लीजिए। तो देखिए 2 के मल्टीपल फंदे डालने के बाद अब यहाँ स्टार्टिंग से ही देखिए क्या करना है। ये देखिए, यहाँ से इसको उतारते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मेरा ये फंदा लगा हुआ है उन, तो पहले से देखिए 6, 7, 8, ठीक है, 8 हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये देख, सॉरी 14 फंदे यहाँ पे हमें बनाने हैं, ठीक है। 28 फंदे हैं हमारे, 28 का आधा होता है 14, तो 14 फंदे हम अपने इस कलर से बनाएंगे। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14 फंदे हमने बना लिए, और 14 ही फंदे हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जब भी आप जितना ही फंदे लेंगे तो उसके आधे फंदे आपको इस कलर से बनाने होंगे। अब देखिए यहाँ से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर नॉट लगाना होगा, मेरा पहले से बना है तो यहाँ पर लगा हुआ था, आप यहीं पर नॉट लगा लीजिए। और अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए 12 फंदे हमने बनाए, 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे। बहुत सिंपल डिजाइन है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और बहुत ही अलग से डिजाइन है, अभी तक ये आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए ये वाली डिज़ाइन, तो बनाइएगा आप भी। ये देखिए यहाँ पे हो गया, और अब इसको हम यहाँ से इसको पीछे करेंगे और अपने ये ब्लू कलर को आगे लाएंगे, तो क्रॉस कराते हुए आगे ले आना है और यहाँ से आपको बना लेना है। यहाँ पे ये देखिए हो गया, अब इसको हम पीछे करेंगे और यहाँ वाला फंदा जो है इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये वाला फंदा आपको सीधा बनाना है। ये देखिए पहली सिलाई हमारी हो गई, अब हम आ गए अपने फिर से उल्टे साइड, और यहाँ से देखिए फिर से क्या करना है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से हम यहाँ से बनाएंगे, तो यहाँ से फिर से इसको ऐसे उतार लेंगे क्योंकि हमने सीधी साइड से इसको सीधा बनाया था, ठीक है। देखिए 2, 3 हो गए, 4, 5, तो ये जो 14 है ये भी 14 ही रहेंगे। ये देखिए 14 बना लिए, अब यहाँ वाले फंदों को इसको ऐसे क्रॉस करा के पिंक वाले को पिंक से ही बनाएंगे। ये देखिए बनाया, 2 फंदे यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें 2-2 फंदे नीचे से कम करने हैं, ठीक है, और ऊपर आ जाते हैं अपने, और इधर सीधी साइड से फिर से जो जैसे है उसको ऐसे ही बना लेंगे।
ये देखिए हो गया। अब इसको पीछे करेंगे और ये वाले उनको आगे लाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारी हो गई। और यहाँ पे देखिए एक दो पिंक की आपको दो रो दिख रही है ना। अब इसके बाद से फिर से डिज़ाइन में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, ये देखिए हम ये वाली पत्ती बना रहे हैं बीच वाली। तो यहाँ पे देखिए एक दो, हर दो रो के बाद हम चार चार फंदा जो है ऊपर की ओर आएंगे। हर दो रो के बाद हम चार फंदा ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए दो रो हो चुकी है। अब उल्टे साइड से हम जब बनाएंगे इसको इधर से, तब चार फंदे ऊपर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे 14 फंदे थे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए 10 फंदे आप कर लिए। और ये जो चार फंदे हैं इनको अब हम पिंक कलर से करेंगे, जैसे क्रॉस करा के पिंक कलर करना। तो हर दो रो के बाद यानी चार सिलाई के बाद हमें चार चार फंदे ऊपर की ओर जाना, और नीचे से जो है वो ऐसे ही रहेगा, दो दो फंदे कम करते जाना है। इधर से कुछ भी चेंज नहीं, इधर से बस दो दो फंदे कम करना है। ये देखिए दो फंदे हमने फिर से कम कर दिए और यहीं से वापस हो जाएंगे। और इधर साइड से जो जैसे है उसको ऐसे बनाते हुए ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे। तो चलिए इधर से हम बना लेते हैं इसको। इतना इधर सीधी साइड से हमने कर लिया। और ये देखिए एक रो हमारी इधर वाली भी बन चुकी है, ठीक है। ये देखिए पिंकी एक रो हो गई। अब फिर से आएंगे अपने पीछे साइड और अभी यहाँ से अब दूसरी रो भी बनाएंगे। तो दूसरी रो जब बनाएंगे तो यहाँ से हम कोई फंदा कुछ नहीं करेंगे, बस जो जैसे है उसको ऐसे बनाते हुए नीचे से दो फंदे बस कम करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये वाले हमारे 10 ही फंदे रहेंगे अभी, ये देखिए। और इसको ऐसे क्रॉस करा के इधर से इसको ये बनाएंगे हम। ये हो गया, देखिए दो फंदे फिर से कम कर दिए, यहीं से वापस हो जाएंगे। और यहाँ से फिर देखिए ये हमारी दूसरी रो अभी कंप्लीट होकर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसको आगे लाएंगे ग्रीन को। इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है। सीधा बनाने से बहुत सुंदर ये बन के आएगा। तो देखिए दो रो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई ना पिंक वाली। अब फिर से हम चार फंदे जो हैं ऊपर की ओर आएंगे। ये देखिए इसको उतार लेते इधर से। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बना लिए। अब चार फंदे देखिए फिर से हैं, तो इसको क्रॉस करा के फिर से ये बना लेंगे। और सेम वैसे ही करते हुए इसको भी कंप्लीट करेंगे, इसका भी दो रो पिंक का। और नीचे से दो फंदे छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। तो फिर से ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे ये बना है सेम इसी को भी ऐसे दो रो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि अभी 6 फंदे और हैं तो अभी और भी बनेगा एक, ठीक है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी दूसरी रो। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये वाली दो रो भी कंप्लीट हो गई। और देखिए दो दो करते हुए हमने यहाँ तक के देखिए फंदों को छोड़ दिया, ठीक है। और अभी देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हैं। तो जिसमें से अभी हम चार फंदों को फिर से ऊपर की ओर ले आएंगे। अगर आपके यहाँ पे 7 फंदे होते तो आप यहाँ पे 3 फंदे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो फंदा छूटेगा हमारा दो फंदा, तो ये चार के जोड़े में तो है नहीं, तो इसको हम बॉर्डर के लिए छोड़ देंगे। इसको हम पिंक नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है आपको ये ग्रीन इतना, तो ये ऐसे छूट जाएगा और चार फंदे हम ऊपर की ओर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बना लेते हैं, ये दो फंदे ये हो गए। अब ये चार फंदों को पिंक से कर देंगे क्रॉस करा के। ये देखिए ये हो गया, इसका भी दो रो हमें बनाना है। ये देखिए हम बनाए, दो फंदा छोड़ दिए, जैसे हो जाएंगे वापस। और इसका भी दो रो पूरा जो है कंप्लीट कर लेंगे। इधर हो गए, और इसको पीछे और ग्रीन कलर को आगे लाएंगे। और इन दो फंदों में से देखिए एक को उल्टा बनाएंगे जो पीछे करके, ये वाला फंदा जो हम सीधा बनाते हैं सीधा ही बनेगा हमारा, ठीक है। ये देखिए सीधा हो गया। फिर से आ जाएंगे अपने इस साइड
और इधर साइड से फिर से हम बनाएंगे वैसे ही जैसे अभी बना रहे थे। तो इसका भी दो रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। आप भी बना लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पिंक का दो रो हो चुका है, ठीक है। और ये दो फंदे हमारे ग्रीन है जिनको अब हम कुछ नहीं करेंगे। और देखिए फंदे कहाँ तक छूट गए हैं, ये देखिए यहाँ तक के फंदे हमने छोड़ दिए हैं। तो अब फ्रेंड्स जैसे हम ऊपर आ रहे थे, अब सेम वैसे हमें चार चार फंदे नीचे की ओर आना है हर दो रो के बाद, यानी हर चार सिलाई के बाद, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमने यहाँ से ऊपर लिया, अब देखिए ये यहाँ से नीचे आना है, ठीक है। तो अब ये वाला हम नीचे वाला बनाएंगे, ठीक। ये देखिए फंदे यहाँ तक छूटे हैं, ये देखते रहिएगा आप। अब देखिए, अब दो फंदे हमारे ग्रीन के हैं, दो। अब चार फंदे यहाँ से लेंगे, एक दो तीन चार। पहले हम पिंक वाले को करते थे, ग्रीन को पिंक, अब हम पिंक को ग्रीन करेंगे। बाकी देखिए चार फंदे लेने के बाद, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। अब दो फंदे जो छोड़े हैं उनको ले लेना है, दो दो फंदे, ठीक है। और यहीं से वापस हो जाना है। तो अब हमें जैसे हमने दो दो फंदे छोड़ के रखे हैं, वो दो दो फंदों को लेते चलना है। और हर चार सिलाई के बाद हम फिर से चार चार फंदे जो है नीचे की ओर आएंगे। तो अब नीचे आना है, इसको देखिए ऐसे क्रॉस करा लेना है, इधर से इसको बना लेंगे। इसको पीछे करेंगे, यहाँ से इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए फिर से इधर आएंगे, इसको इधर से उतारा, ये हो गया। अभी इसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी तीसरी सिलाई है। ये देखिए इसको ऐसे बनाया, और दो फंदे यहाँ से लेंगे, लेकिन गैप है तो एक फंदा आपको ऐसे उठा लेना है, इसी में दो का एक कर देना है ऐसे करके, ठीक है। फिर यहीं से वापस, और यहाँ से देखिए जो जैसे उसको ऐसे बना लेंगे। सीधे साइड से कुछ भी नहीं है, जो जैसे है वैसे करना। देखिए हो गया, इसको पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे भी एक दो पिंक का देखिए दो रो हो चुका। तो अब हम फिर से चार फंदे नीचे आएंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये इसके बराबर ही आएगा सेम, ठीक है। अब देखिए दो रो हो चुका, अब फिर से हम चार फंदे नीचे आएंगे। तो यहाँ से इसको उतारते हैं, एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए ये छः फंदे, अब चार फंदे इसमें से लेंगे, एक दो तीन चार, ले लिए चार फंदे। अब इधर से इसको लेंगे पिंक वाले को, देखिए फिर से दो फंदा जो छोड़ के रखा है हमने उनको लेंगे हम, हो गया। अब यहाँ से गैप को भरने के लिए जरूर एक फंदा उठाइएगा, एक दो, ये दो फंदा ले लिया हमने, फिर से वापस, ठीक है। और सीधी साइड से फ्रेंड जो जैसे है उसको ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे भी देखिए जब पिंक के दो दो रो होते जाएंगे तो चार चार फंदा नीचे आते जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, और यहाँ पे ये वाला तक मैं बना लेती हूँ, ठीक है। जब लास्ट में बस ये चार फंदे बचेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी अभी देखिए पूरा कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक के फंदे उतार लेते हैं और चार चार फंदे नीचे आते हुए बनाते हैं। ये चार फंदे जब बचते हैं तब मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बना लिया यहाँ तक। ये देखिए हमारा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ तक हो गया, ये वाले के बराबर हो गया। यहाँ पे भी दो रो, अब देखिए चार फंदे हमारे पास हैं, दो पिंक के और दो इसके। तो जब भी आप ये डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है, तो आपके पास चार फंदे लास्ट में बचेंगे ही, ठीक है। दो इस कलर के बचेंगे, दो इस कलर के। तो आपको क्या करना होगा, अब सारे फंदों को हम अपने ग्रीन कलर से ही बना लेंगे, ठीक है। दो दो करके हमने सारे फंदे उतार लिए, और अब हम जब हमारे पास दो चार फंदे बचेंगे तो हम सारे फंदों को अपने ग्रीन कलर से बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा जो है ग्रीन कलर है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से, हो गया, गैप भर लेते हैं उठा के इसको। अब ये तो फंदे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चारों फंदों को हमने बना लिया, ठीक है। यहीं से वापस हो जाएंगे, और यहाँ से फिर से जो जैसे है बनाते हुए यहाँ तक पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा, यहाँ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे,
ठीक है, पूरा यहाँ ऊपर तक बना लेते हैं, इलाज का बंदा सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये हमने पूरा यहाँ तक बना लिया उल्टा उल्टा। ठीक है, ये देखिए इसके साथ ही हमारी ये वाली जो पत्ती है ये वाली कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, देखिए इस डिज़ाइन के बाद ये वाला स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक रो हमने ग्रीन का पूरा यहाँ तक बना लिया। अब अपने उल्टी साइड में आएंगे और यहाँ से अब देखिए कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से जो है हम अपना पिंक कलर लगाएंगे, तो पिंक कलर आप यहीं से ले लीजिएगा। ये देखिए तो पिंक कलर हमने यहीं से ले लिया। ठीक है, कट नहीं करना और यहाँ पे इसको ऐसे फंसा दीजिएगा ऐसे करके, तो क्या होगा ना इससे सफाई के साथ दिखेगा आपका। बीच बीच में फंसा लीजिएगा कुछ फंदे बनाने के बाद। ठीक है, ये देखिए ऐसे उठाना है इसको ऐसे और ऐसे बना लेना है। तो यहाँ पे अब हर दो सिलाई पे आपको कलर को चेंज करते जाना है। ठीक है, उल्टे और सीधे साइड से दोनों साइड से एक सिलाई बन जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा कलर मतलब कलर चेंज करते हुए बनाना है आपको। जो हो गया, दो फंदे यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं से वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें भी हमें हर बार दो दो फंदे जो है कम करने हैं, और सीधी साइड से कुछ नहीं है, बस जो जैसे है उसको वैसे ही बना लेना है सीधी साइड से। ठीक है, यहाँ तो पूरा उल्टा उल्टा, अब हमें उल्टा बनाना है, तो यहाँ तक के पूरे फंदे को उल्टा उल्टा हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सीधी साइड से बना लिया, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक रो इसकी बन गई। अब फिर से हम अपना ग्रीन कलर लाएंगे, जैसे कि इसमें बना हुआ है। देखिए हर बार हमने कलर चेंज करते हुए बनाया है। ठीक है, तो अब ऐसे अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे। तो अब पिंक वाले कहीं बाहर साइड में रहने देंगे, अंदर से ये ग्रीन को लगा लेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा खींच लीजिएगा इसको एक बार बस, और बाकी अब सारे फंदों को ग्रीन से बनाएंगे और दो फंदे फिर से छोड़ेंगे। तो इसमें आपको कलर को चेंज करते हुए बारी बारी से बनाना है, और नीचे साइड से आपको हर बार दो दो फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए बना ली, दो फंदे यहाँ पे हम छोड़ देंगे, यहीं से हो जाएंगे वापस। ठीक है, फिर से इसको बना लेंगे ऐसे ही। तो सीधे साइड से कुछ भी नहीं है फ्रेंड, जो जैसे है वैसे बनेगा, और यहाँ पे कलर चेंज करते हुए आपको बारी बारी से बनाना है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, फिर उल्टी साइड से हम अपना पिंक कलर लगा लेंगे। ठीक है, और दो फंदे नीचे से छोड़ देंगे। तो हर बार ऐसे ही आपको करना है, हर बार दो दो फंदे छोड़ते रहना। तो चलिए यहाँ पे कम से कम हम आठ फंदे जब हमारे पास रह जाएंगे यहाँ पे ऊपर के साइड में, तब हम आपको बताएंगे। बाकी आप भी ऐसे बनाते रहिए, दो दो फंदे छोड़ते हुए, सेम ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है ना कलर चेंज करते हुए, तो वैसे बनाते हैं जब आठ फंदे हमारे यहाँ ऊपर में रह जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना लिया है इसको एक एक करते हुए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे आठ फंदे हैं, ये ग्रीन वाले, ये देखिए आठ फंदे हैं। तो अभी भी देखिए अब पिंक की बारी है, तो अब यहाँ से देखिए पिंक कलर लगा लेंगे, एक दो तीन यहाँ से, ये देखिए हो गया तीन चार पाँच छः, दो फंदे यहाँ पे फिर से छोड़ दिए यहीं से वापस। ठीक है, यहीं से फिर से जो जिस कलर का है उसको उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे छः फंदे हमारे देखिए बन चुके, तीन तीन छः। तो अब इन छः फंदों को हमें दो दो के जोड़े में नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी ग्रीन की बारी है, और ग्रीन की बारी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ग्रीन लगा करके फिर से पिंक पे वो बनाएंगे तो क्या होगा कि ये दो दो फंदे जो हैं ये आगे पीछे हो जाएंगे। तो जब भी आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बनाएंगे तो छः फंदे यहाँ पे रहने ही दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब ग्रीन की बारी है तो देखिए अब ग्रीन लगाएंगे यहाँ से, और ग्रीन लगाने के बाद अब हम सारे फंदों को बना लेंगे। तो जब भी आपके पास छः फंदे यहाँ पे बचेंगे तो उसको हमें दो को जोड़ नहीं छोड़ना, और उसे हमें ऐसे ही बना लेना। तो अब सारे फंदों को जो हमने दो दो करके छोड़े हैं सभी को हम ग्रीन से बनाएंगे। सारे फंदों को बना लेना है, और ये हाफ हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। अब जैसे हम दो दो फंदे छोड़ रहे थे अभी भी हमें वैसे ही फिलहाल करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए पूरा नीचे तक बना लिया, और इधर से फिर जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इधर सारे फंदों को ग्रीन कलर से हम ऊपर तक पूरा बना लेंगे। ठीक है,
ब्लू कलर है फिलहाल, ग्रीन नहीं है, है हल्का ग्रीन लेकिन इसमें ब्लू दिख रहा है। चलिए यहाँ तक बना लेते हैं। अब देखिए अब हमने यहाँ तक बना लिया ऊपर तक, देखिए एक रो हमारी ये ग्रीन की बन गई है। अब देखिए हमने जब यहाँ से पूरा ग्रीन बनाया था, चार फंदे सॉरी छः फंदे हमारे पिंक के थे, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर अपना पिंक कलर से बनाएंगे क्योंकि बारी भी पिंक की है, तो छः फंदे हम पिंक के बनाएंगे, पाँच छः, छः फंदे पिंक के हो गए और यहीं से वापस हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहीं से वापस हो जाएंगे, ये हो गए। अब देखिए अब क्या करना है। अब फ्रेंड्स हमें जैसे हमने दो दो फंदे छोड़े थे, अब वैसे हमें बारी बारी से अपने दो दो फंदे लेते जाने हैं और कलर को वैसे ही चेंज करना है जैसे हम कर रहे थे। हर दो सिलाई के बाद कलर फिर से वैसे ही चेंज होगा, तो इससे क्या होगा ग्रीन ग्रीन के साथ ही आएगा, ठीक है। तो जब वो छः फंदे बनाएंगे तो उसमें कोई फंदा हम नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे। ये देखिए दो फंदा हमने ले लिया, इसे वापस हो जाएंगे। अब आपको ऐसे ही बनाते जाना है पूरा जब तक कि सारे फंदे हमारे ना बन जाए। ये देखिए इधर आ गए, फिर से आ जाएंगे अपने उल्टी साइड। देखिए ये ग्रीन का हो गया, फिर से हम पिंक से बनाएंगे और दो फंदे लेंगे। दो फंदे यहाँ से ले लेंगे, एक दो, ठीक है। फिर यहीं से वापस यहाँ से फिर से जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे, तो बिल्कुल ही बराबर से बन के आएगा। ये देखिए हो गया, फिर से आ जाएंगे और फिर से ग्रीन की बारी है। तो देखिए यहाँ पे ये पिंक हमारे यहाँ है तो यहाँ है, अब ग्रीन से बनाएंगे तो ये ग्रीन यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ग्रीन का आएगा, फिर पिंक का पिंक से, दो दो फंदे आपको लेते जाना है, कलर को चेंज करते जाना है, सेम वैसे ही बनता जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पूरा बना लेते हैं और यहाँ पे जब ये चार फंदे या चलिए दो फंदे ये ग्रीन वाले बचेंगे तो मैं आपको बताऊँगी क्या करना है, बाकी ऐसे ही सेम बनेगा, कलर चेंज करते जाइए, दो दो फंदे यहाँ से लेते जाइए आप, ठीक है। तो चलिए इतना बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए सारे फंदों को हम ग्रीन कलर से बनाते हैं अब, और पिंक कलर जो इसका काम हो गया तो इसे थोड़ा सा बीच में फंसा लीजिए आप 14 फंदे के करीब तक। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सिंपल सा, बहुत सिंपल, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना लेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, तो वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप शुरू किया कीजिए बनाने, पहले वीडियो को देख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए थोड़ा कि कैसे करना है। ये देखिए अभी दो फंदे हैं ग्रीन के, ये देखिए ग्रीन से बना लिए हमने और इसी के साथ हमारा ये वाला भी जो है डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ ये एक डिज़ाइन है, तो ये देखिए कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं, इसको उतारते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदों को बना लिया, ये देखिए सारे फंदे हमारे बन चुके और इसी के साथ हमारी ये वाली डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आपको फिर से बैक साइड में आके फिर से ये वाली डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो इससे हम देखिए ये ग्रीन बना हुआ है, अब फिर से आप इधर उल्टी साइड आएंगे अपने और यहाँ से 14 फंदे ग्रीन के बनाएंगे और यहाँ से 12 फंदे पिंक के बनाकर दो फंदे छोड़ देंगे, ठीक है। जैसा कि हमने ये वाला बनाया था सेम यही वाला डिज़ाइन आपको फिर से रिपीट करना है, ठीक है। तो चार बार ये वाले बनेंगे, चार बार ये, टोटल आठ बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो है ये कम्प्लीट हो चुका है, एक बचा हुआ है जो कि अभी मैं बना लूँगी इसको भी। बाकी ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा बनने के बाद, बहुत ही सुंदर सा है और बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन भी है। क्लियर करती हूँ एक बार, ये देखिए काफ़ी सुंदर है, ये देखिए बड़ा करके, तो है ना काफ़ी ही आसान और बहुत ही सुंदर। तो बस एक बचा हुआ है, एक कली मेरी और कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे बन जाएगा और ऐसे ही करके बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। तो चलिए आप भी बना लीजिए, मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे फंदे जो है देखिए बन चुके, बस दो फंदे हमारे पास ग्रीन वाले जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है। और बाकी देखिए काफ़ी सुंदर सा ये बन गया है ये इतना हमारा। तो
अब चलिए अब ग्रीन कलर से सारे फंदों को बना लेते हैं। तो देखिए सारे फंदों को हम ग्रीन कलर से बनाते हैं अब, और पिंक कलर जो इसका काम हो गया तो इसे थोड़ा सा बीच में फंसा लीजिए आप 14 फंदे के करीब तक। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सिंपल सा, बहुत सिंपल, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना लेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, तो वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप शुरू किया कीजिए बनाने। पहले वीडियो को देख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए थोड़ा कि कैसे करना है। ये देखिए अभी दो फंदे हैं ग्रीन के, ये देखिए ग्रीन से बना लिया हमने, और इसी के साथ हमारा ये वाला भी जो है डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ ये एक डिज़ाइन है, तो ये देखिए कम्प्लीट हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इसको उतारते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदों को बना लिया। ये देखिए सारे फंदे हमारे बन चुके, और इसी के साथ हमारी ये वाली डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आपको फिर से बैक साइड में आके फिर से ये वाली डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो इससे हम देखिए ये ग्रीन बना हुआ है। अब फिर से आप इधर उल्टी साइड आएंगे अपने, और यहाँ से 14 फंदे ग्रीन के बनाएंगे, और यहाँ से 12 फंदे पिंक के बनाकर 2 फंदे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने ये वाला बनाया था सेम यही वाला डिज़ाइन आपको फिर से रिपीट करना है। ठीक है, तो 4 बार ये वाले बनेंगे, 4 बार ये, टोटल 8 बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो है ये कम्प्लीट हो चुका है, एक बचा हुआ है जो कि अभी मैं बना लूँगी इसको भी। बाकी ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा बनने के बाद, बहुत ही सुंदर सा है और बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन भी। क्लियर करती हूँ एक बार, ये देखिए काफ़ी सुंदर है, ये देखिए बड़ा करके, तो है ना काफ़ी ही आसान और बहुत ही सुंदर। तो बस एक बचा हुआ है, एक कली मेरी और कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे बन जाएगा, और ऐसे ही करके बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। तो चलिए आप भी बना लीजिए, मैं भी इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।